सुजानपुर डेरा में वार्ड नंबर 1 के पार्षद पुष्पेंद्र भटनागर द्वारा नामांकन दाखिल करके लोगों के कार्य प्राथमिकता से करवाने के उद्देश्य से चुनाव में उतरी हैं। आपको बता दें कि ये परिवार बीते 20 वर्षों से ईमानदारी और समाज सेवा से तत्पर लोगों के कार्य को करवाता नजर आ रहा है। वर्ष 2000 में इनके पति ने वार्ड नंबर 1 में रास्ते का निर्माण करवा कर पूरे शहर को आने जाने के लिए पालमपुर जाने के लिए छोटे रास्ते का निर्माण करवा दिया था। वहीं वार्ड नंबर 2 की गली का निर्माण करने के लिए भी इनका एक काफी योगदान रहा है। वहीं रमन भटनागर ने बताया कि पूरे शहर में प्रधान पद पर रहते हुए विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया है। वहीं आने वाले दिनों में भी वार्ड नंबर 1 के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद में आने वाले दिनों में बस स्टैंड की जो समस्या नियंत्रण बनी हुई है उसका निर्माण कार्य अभी माननीय विधायक राजेंद्र राणा के आशीर्वाद से यहीं पर ही करवाया जाएगा और आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी की मांग भी कांग्रेस पार्टी से रखी जाएगी ताकि शहर दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता हुआ नजर आए। उन्होंने बताया कि शहर में मुख्य बाजार की हालत बद से बदतर नजर आ रही थी, लेकिन प्रधान बनने के उपरांत पूरे बाजार में टाइलें लगाकर बाजार को पक्का करवा दिया गया है, जिसके लिए बाहर से आए लोग भी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। उन्होंने बताया कि कूड़े की समस्या नियंत्रण होने के कारण निदान लोगों को दिलाया गया है। बीते वर्षों में पूरा कूड़ा गलियों में रहता था, जिससे शहर की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा था, लेकिन लोगों से कम कीमत पर घर द्वार से कूड़ा उठाने की मुहिम चलाकर कूड़े की समस्या से निदान दिलाया है। भविष्य में भी ऐसे ही कार्य उनकी धर्मपत्नी के द्वारा करवाते नजर आएंगे। उन्होंने वार्ड नंबर 1 के निवासी से आग्रह किया कि उनकी पत्नी पुष्पेंद्र भटनागर को जिताकर वार्ड नंबर 1 का पार्षद बनाया जाए। वहीं उनकी पत्नी ने बताया कि यदि वे पार्षद बनकर लोगों के कार्य करवाने के लिए तत्पर हैं और लोगों के विकास हेतु कार्य करवाने के लिए पीछे नहीं हटेंगी।